बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आज भले ही किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस पहचान को बनाने के लिए काफी मशक्कत भी करना पड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत साल 1913 के दौरान हुई थी, लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो आज ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये दुनिया भर की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो साल भर में सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण करती है। साथ ही इंडस्ट्री में काम करने वाले कई सारे ऐसे भी सितारे रहे हैं जिन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। खैर, मौजूदा दौर में अगर इंडस्ट्री के सितारों की तरफ नजर डालें तो कई सारे ऐसे भी सितारे हैं जो आज काफी ज्यादा फेमस हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन इंडस्ट्री के ये वो सितारे हैं जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1913 के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में किसने सबसे ज्यादा नाम कमाया था? अब 1913 में जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उस दौर में ऐसी सुविधाएं ज्यादा नहीं हुआ करती थी, फिल्में साइलेंट बना करती थी। और इसी दौरान 3 मई 1913 को इंडियन सिनेमा की पहली साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को रिलीज किया गया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसी दौर के 18 साल के बाद 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती साउंड फिल्म आलम आरा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। आलम आरा वही फिल्म थी जिसमें हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की नींव रखी गई थी। आज के समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 109 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और इस दौरान हमें कई सारे बेहतरीन कलाकार भी मिले, और इन्हीं में से एक नाम बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार रही रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना का भी नाम रहा है। रूबी मायर्स की बात करें तो इन्होंने इंडस्ट्री में अपना कदम रखते ही एक ऐसा स्टारडम लोगों को दिखाया जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई। आने वाले समय में इनके स्टारडम में ऐसी चमक देखने को मिली जिसका हर कोई दीवाना हो गया। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी फीमेल सुपरस्टार रही हैं जो हीरो से भी करीब 10 गुना ज्यादा फीस लिया करती थी। पत्रिका.com के एक्सक्लूसिव खबर की माने तो मौजूदा समय में भारतीय सिनेमा में रूबी मायर्स को सुलोचना के नाम से जाना जाता है, जो उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी गई। साथ ही वो काफी ज्यादा बोल्ड भी थी। बताया जाता है कि अपनी बोल्डनेस के लिए काफी ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। हालांकि उनके इंडस्ट्री में आने से पहले कई सारी अभिनेत्रियां आ चुकी थी, लेकिन जब रूबी मायर्स ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपने हुनर और दमदार अभिनय से भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया। पर्सनल लाइफ की तरफ नजर डालें तो रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना का जन्म साल 1907 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। रूबी भारत में रहने वाली यहूदी वंश परिवार से थी, लेकिन असल जिंदगी में वो ब्रिटिश मूल की थी। रूबी ने अपने पढ़ाई पुणे से ही शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की और बताया जाता है कि टाइपिंग स्पीड में उनका कोई मुकाबला तक नहीं कर पाता था। और कहा जाता है कि उनको देखने के बाद हर कोई उन्हें देखते ही रह जाता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा आकर्षक हुआ करती थी। लेकिन आने वाले समय में उनकी किस्मत ने पलटी मारी। एक टाइपराइटर की नौकरी करने के बाद उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नाम कमाऊंगी। आने वाले समय में कोहिनूर फिल्म की कंपनी के मालिक मोहन भवानी ने जब उनको देखा तो तुरंत उनसे पूछ लिया कि सिनेमा में काम करोगी, लेकिन रूबी ने यहाँ पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। ये वही दौर था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इतना ज्यादा नाम नहीं हुआ करता था और फिल्मों में काम करने को लेकर हर कोई कतराता था, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए फिल्मों में आना एक अलग बात हुआ करती थी, लेकिन सुलोचना की खूबसूरती के कायल हो चुके मोहन भवानी ने उन्हें हीरोइन बनाने की जिद पकड़ ली। आखिरकार रूबी ने एक दिन हाँ ही बोल दिया, लेकिन उन्हें अभिनय नहीं आता था। इसके बाद साल 1925 में रूबी ने फिल्म बीरबाला से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्म में उन्हें मिस रूबी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसके बाद वो रूबी मायर से सुलोचना बन गई। आने वाले समय में रूबी की किस्मत ने पलटी मारी और बताया जाता है कि साल 1910 से लेकर 1930 के बीच कई साइलेंट फिल्में बनी। उस दौर में फिल्मों में कोई आवाज या गाना नहीं हुआ करता था, लेकिन जिसने भी बड़े पर्दे पर सुलोचना को देखता था वो देखते ही रह जाता था। लोगों के ऊपर सुलोचना का ऐसा क्रेज चढ़ा था कि उनकी फिल्में लगते ही दर्शक सिनेमाघरों की ओर दौड़े चले जाते थे, और दर्शकों के साथ मेकर्स भी सुलोचना के क्रेज के मारे थे जो उनको अपनी फिल्में लेने के लिए उतारू रहा करते थे। उनके स्टारडम का आप अंदाजा इस कदर भी लगा सकते हैं कि बड़े बड़े अभिनेता को जब उस समय 100 रुपए की फीस दी जाती थी तो उस समय सुलोचना अपनी हर एक फिल्म में काम करने के लिए तकरीबन 5,000 रुपए से ज्यादा की फीस लिया करती थी।